जय हिंद। देखिए, इसके पहले हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है ग्राफ के जो है सहायता से हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो हम सिखा चुके हैं। ठीक, इस प्रकार से कुछ हम आज और जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस लेंगे और जो है रेंज जो है कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम बता चुके हैं कि अगर आपको पीजीटी की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी मेंस की जो है बुक चैप्टर वाइज जो है उसको खरीद करके और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक देखेंगे इसमें से। वाई इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वाई इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन। अब इसके हमें रेंज निकालना है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है? ए इज इक्वल टू वन है एंड बी इज इक्वल टू वन है एंड सी इज इक्वल टू वन है ना। सो रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या होगी आवश्यकता? वर्टेक्स की। अब वर्टेक्स हम इसके जो है निकालेंगे इसकी हेल्प से। सो वर्टेक्स जो आएंगे, वर्टेक्स माइनस बी अपान टू ए कामा माइनस डी अपान फोर ए। ठीक, वर्टेक्स निकालने का फार्मूला यही होता है ना। और एक क्या बताए थे कि इसको जो है जीरो मान लो या डी बाई डी एक्स को जीरो की इक्वल कर दो। सो टू यक्स प्लस वन ये इसका डिफरेंशिएट जो है करेंगे तो इतना आएगा। सो इसको अगर जीरो की इक्वल करोगे तो टू यक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, या फिर कुछ इस टाइप से बताए थे कि हाँ। अब इसको जो है इस माइनस की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वाई आ जाएगा, तो कितना आएगा? यहाँ रखेंगे वन अपान फोर माइनस वन अपान टू माइनस वन अपान टू यहाँ पर रखेंगे तो वन अपान टू, तो वन अपान फोर माइनस वन अपान टू प्लस वन। एलसीएम आया फोर, ये वन माइनस टू प्लस फोर, तो कितना आएगा? फोर वन फाइव माइनस वो प्लस का थ्री बाई टू फोर, कितना आया? थ्री बाई फोर। ठीक, और यहाँ भी रखेंगे तो माइनस बी अगर हमारे पास कितना है, यहाँ वन है, तो ये माइनस का वन अपान में टू ए मतलब टू। ठीक, और नेक्स्ट निकालेंगे तो माइनस डी, तो डी हमारा कितना आएगा? बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर माइनस का बचेगा है ना, तो माइनस फोर में से वन जाएगा माइनस थ्री बाई टू, कितना बचेगा? माइनस थ्री बाई टू, और माइनस माइनस मिलकर कितना हो, क्या हो जाएगा? थ्री बाई फोर। यहाँ से भी पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, दोनों जगह से मतलब वाई की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये हम ये वैल्यू यहाँ रख दिए है ना, तो ये हमारे वर्टेक्स आ गए। क्या आ गए? वर्टेक्स। ठीक, अब हम ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे इसके लिए। तो देखिए, यहाँ हमारा ए क्या है? ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो हमारा बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा, ये हम बता चुके थे। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा, वर्टेक्स माइनस वन बाई टू और थ्री बाई फोर, ये कुछ यहां मान लो सपोज दैट मिल रहा है माइनस वन बाई टू और थ्री बाई फोर है ना। वाई में थ्री बाई फोर है और इसमें वह माइनस वन बाई टू। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये थ्री बाई फोर है, और ये जो डिस्टेंस है ठीक ये वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू। ये बात ध्यान रख रहा है, ये जो डिस्टेंस होती है ना निगेटिव नहीं होती, वो ये माइनस जो है ये बताता है ठीक है कि इसके लेफ्ट साइड में मतलब बनेगा, समझ रहे हो? ये मतलब इसका होता है। ठीक,
तो ये हमारा ग्राफ जो है प्लॉट हुआ। अब इसके बाद इसकी हमें रेंज निकालना है, तो y की यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू 3/4 क्या है, 3/4 y की मिनिमम वैल्यू 3/4 है, ठीक। और आप इसमें से देखेंगे इसे, तो ये जो ग्राफ है ना, ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो y की मिनिमम वैल्यू 3/4 और ये हमारा क्या बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक। मतलब 3/4 से इनफाइनाइट तक इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। तो रेंज आप बहुत आसानी से जो है निकाल लेंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें इसमें ये देखेंगे कि इसका जो d आ रहा है, d क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है d, है ना। तो जब d निगेटिव आता है तो आपको हमने क्या बताया था कि इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्या आएंगे। और अगर ग्राफ यहाँ टच नहीं कर रहा है x एक्सिस को, तो यहीं से ही पता चल जाता है कि इसके जो रूट्स होंगे ना, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी, है ना। अब d भी निकालेंगे तो d हमारा जो आएगा वो निगेटिव आएगा, मतलब 0 से छोटा आएगा, ठीक। तो इसके रूट्स जो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए इसे। ठीक, तो समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है, तो इसमें आप वाई देखिए, वाई को, है ना। ये वाई जो हमारा है, क्योंकि एक्स के ऊपर है और ये इसको जो टच भी नहीं कर रहा, तो एक तो ग्राफ एक्सिस को कहीं काट नहीं रहा, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। दूसरा, यहाँ पर जो वाई होगा ना हर जगह, ठीक, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो हर जगह वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि वाई हमारा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर, यदि एक्स हमारी रियल नंबर को जो क्या करें, बिलोंग्स करें, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाई हमारा क्या होगा, हर जगह पॉजिटिव होगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये इस प्रकार है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स यहाँ लिखे दे रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो से बड़ी आएगी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसकी रूट्स इमेजिनरी हैं, ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी। आप d निकाल के देख लीजिए, तो d हमारा माइनस में आ रहा होगा, है ना, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, इसलिए इसको आप जो है हाँ इस इमेजिनरी होंगे, इसलिए जो है इसको आप बेबी कर्व मेथड से अगर लगाएं, तो देखिए बेबी कर्व मेथड से भी लगाएंगे तो ये एक इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, तो उसको भी जो है नहीं हम जो बेबी कर्व मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर मान लो सिंपल फॉर्म में आता है ना, मतलब रियल नंबर्स होती, तो जो है हम इसको जो है बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ठीक, तो इसके रूट्स जो होंगे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसे भी होता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसके भी हम फैक्टर कर लेते, है ना। यह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसके भी फैक्टर जो कर लेते हैं, जैसे ये हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, ये है। तो यहाँ पर बी हमारा क्या है, माइनस वन प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, यहाँ माइनस वन कर लीजिए, ठीक है।
वन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4a, तो यानी रूट 5 अपान में 2, ये बचेगा। तो एक हमारे यहाँ से माइनस वन प्लस रूट 5 और अपान 2 इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, और एक रूट्स को माइनस वन माइनस रूट 5 अपान 2 को बीटा मान लेते हैं। तो हम जो है इसको ऐसे ग्राफ में जो प्लाट कर सकते थे, ये अल्फा है और ये बीटा है, बेबी कर्व मेथड से लगा सकते थे। लेकिन इसका जो है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसका फैक्टर हो ही नहीं रहा, ठीक, समझ रहे हो। तो इसकी रूट्स जो है क्या आएंगे, इमेजिनरी, और इसके फैक्टर जो है, अगर हम बेबी कर्व मेथड से अगर इसको जो प्लाट का वैल्यूज अगर निकालते हैं यक्स की, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से इसके फैक्टर होना जरूरी है, इसके फैक्टर होना जरूरी है, ठीक। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, और यदि यहाँ ए हमारा पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, और डी हमारा निगेटिव यहाँ से मिल रहा है, डी क्या मिल रहा है, निगेटिव, ठीक। तो इसके लिए हमेशा आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग आर होगा, क्या होगा, x बिलोंग r होगा, ठीक। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग r। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक, या जो है ये ऐसे है, ठीक, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग r होगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ये समझ में आया होगा, ठीक, इसके लिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग r, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो तुमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर नहीं हो रहा था, तो हमने क्या बताया कि इफ जो है ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन उसका जो आंसर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर होगा। लेकिन एक नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, यदि ए पॉजिटिव है यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर। यदि ए निगेटिव है तब भी जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर होगा, ध्यान रखना, यदि ए निगेटिव है, ठीक, तब भी इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ग्राफ जो है वो बेबी कर्व मेथड उसी में लगाया जा सकता है जिसके फैक्टर बनते हों, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इनके सीधे सीधे आंसर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेते हैं, जैसे मान लो तो जैसे इसमें क्वेश्चन है एक, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन यहां कर लो फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा इफ अल्फा स्क्वायर प्लस वन वो प्लस अल्फा प्लस वन इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए और यहाँ से कह दिया जाए अल्फा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, तो डी हमारा क्या आएगा, यहाँ से डी आएगा वन माइनस फोर ए सी, वन माइनस फोर ए सी, ठीक। तो ये आया माइनस का माइनस का थ्री आया, क्या आया, माइनस का थ्री, ठीक। तो हम इसको इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं ना, लेकिन इसमें माइनस का थ्री आया, ये तो जीरो से बड़ा है, तो इसमें हम क्या इसमें लिख सकते हैं,
माइनस में आ रहा है ना, इसमें थ्री कर लीजिए, थ्री अल्फा। अब कितना आएगा, ये थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर, माइनस फोर ए सी, यहाँ भी तो अल्फा होना चाहिए है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ यक्स करिए और यहाँ अल्फा करिए, ठीक अब आ जाएगा। हमें वैल्यू जो है अल्फा की फाइंड करनी है, सो नाइन माइनस फोर अल्फा, फोर ए सी से, ठीक। तो ये हमारा जो क्या है डी है, और ये हमारा इससे क्या है बड़ा है ना। अब इसको इधर रखेंगे माइनस फोर अल्फा को, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का नाइन हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल कितना आएगा नाइन बाई फोर, लेकिन इक्वल नहीं लगेगा, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन नाइन बाई फोर, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्फा जो हमारा आया ये आ गया, ठीक। तो यहाँ से इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें इसकी जो है रेंज निकालना है। सो ये हमारा जो है फंक्शन जो दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और जो है क्वाड्रेटिक भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम साइन एक्स को अल्फा लेट कर लेते हैं, साइन एक्स को क्या कर लेंगे अल्फा। सो ये हमारा वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन बनेगा, ठीक। अब इतना ये बन गया, तो यहाँ से हम इसके वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स हमारा क्या आएगा, वर्टेक्स जो आएगा माइनस बी अपान ए, माइनस वन अपान टू, एंड नेक्स्ट जो वर्टेक्स आएगा माइनस डी अपान फोर ए। तो माइनस डी, डी यहाँ से कितना मिलेगा, डी यहाँ से मिलेगा वन, वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी, तो ए वन, तो वन फोर में वन का कितना आएगा थ्री है ना, और पान में माइनस डी अपान फोर ए, तो ये आएगा हमारा माइनस का माइनस माइनस मिल करके कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर। ये हमारे वर्टेक्स आ गए, ठीक। वर्टेक्स निकालने का फार्मूला क्या बताया थे, माइनस बी अपान टू ए कॉमा माइनस डी अपान फोर ए, ये वर्टेक्स निकालने के फार्मूले है ना। और एक बताया था कि इसका जो है डिफ्रेंशिएट कर दो है ना, मतलब डी बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल ले लो तो आ जाते हैं। तो वर्टेक्स हमारे मिल गए, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप्स में बनेगा। और यहाँ पर अल्फा ये हमारा ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो पता है कि अप डाउन बनेगा, ठीक। लेकिन ये पॉइंट माइनस वन और थ्री बाई फोर मान लो यहाँ कहीं मिलते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो है ऐसे हमारा ग्राफ क्या होगा, प्लॉट होगा, ठीक। ये ऐसे, ठीक, ये हमारा ग्राफ जो ऐसे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू माइनस वन बाई टू और थ्री बाई फोर है गिवेन है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ जो रेंज होगी, ठीक, तो साइन की रेंज तो आप जानते हैं कि साइन अल्फा या साइन एक्स की रेंज माइनस वन से जो है क्या होती है प्लस वन तक, माइनस वन से प्लस वन तक होती है ना। तो ये इसकी रेंज होती है, तो इसका मतलब हम जो हमारी जो अल्फा की रेंज होगी वो भी माइनस वन से कहाँ तक होगी। जब साइन अल्फा की रेंज जो है साइन एक्स साइन थीटा की रेंज मतलब माइनस वन से वन तक होगी, तो अल्फा की रेंज हमारी माइनस वन से वन तक ही होगी, मतलब माइनस वन यहाँ पर है कहीं और ये वाई जीरो है, और प्लस वन यहाँ पर है कहीं और वाई जीरो है, ठीक। तो ये हमारी जो है रेंज बनी किसकी, साइन अल्फा की। लेकिन हमें वाई की यहाँ पर रेंज फाइंड करना है इसके लिए, ठीक। तो इसकी जब रेंज निकालेंगे तो इसकी रेंज कैसे निकलेगी, ठीक। तो आपको जो है
साइन की रेंज पता है कि माइनस वन से वन तक होती है, ये सभी की तुम्हें रेंज जो है पता होना चाहिए, ठीक है। कास की, कास यक्स की रेंज ये भी माइनस वन से कहाँ तक होती है, वन तक ही होती है, ठीक। टेन की कहाँ से कहाँ तक होती है, टेन की रेंज माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। अब टेन है यहाँ यक्स ही जाए, कास यक्स ये सब समझ रहे हो, टेन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। और काट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। इसके बाद सेक की जो रेंज होती है, ठीक, सेक यक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये रेंज जो है माइनस वन से, सॉरी, ये रेंज माइनस वन से बड़ी या बराबर होगी और इधर प्लस वन से बड़ी या बराबर होगी, इसकी रेंज ये होती है ना। इसी प्रकार कासेक यक्ष की क्या होती है, कासेक यक्ष की जो रेंज होती है वो भी माइनस वन से बड़ी या बराबर और इससे जो है वन से अधिक होगी, ठीक। तो इसकी ये जो है क्या होती है, रेंज होती है, ध्यान रखना। तो रेंज जो है सबको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से जो है साइन एक्स की रेंज अगर ये है तो साइन अल्फा की रेंज यही होगी, सो यहाँ हमने लिखा। अब देखिए, अगर हमारे पास माइनस वन है और वन है, तो अगर हम माइनस वन रखते हैं इसमें, वाई जी अल्फा इज इक्वल टू वन लेते हैं, ठीक, तो वन लेने पर जो हमें क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू वन टू थ्री, थ्री मिलेगी, कितनी मिलेगी, थ्री, ये हमें मिली थ्री, ठीक है। तो ये हमारा थ्री कौन सा पॉइंट मिला, हमने बताया था कि जहाँ पर ग्राफ जिस पॉइंट पर काट रहा है तो वही वाई की वैल्यू होती, मतलब ये हमारा पॉइंट जीरो और थ्री है, ये क्या है, जीरो और थ्री। अगर माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन लेने पर क्या आएगा, माइनस वन लेंगे तो ये वन, माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, वन बचे, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ग्राफ लेना है इसमें, ठीक, हमें जो ग्राफ इसमें लेना है वो कहां से कहां तक, वन से थ्री तक लेना है, कहां से कहां तक, वन से थ्री तक, ठीक। ये माइनस जो शो करता है ये पता होना चाहिए, दूरी कभी माइनस नेगेटिव नहीं होती, ये यह होता है कि इस साइड जो है मतलब ये बनेगा, ठीक। तो ये हमारा वन है, ठीक। तो वन से थ्री तक मतलब यहाँ से हमको ग्राफ जो लेना है इतना लेना है इसमें, ठीक। इतने ग्राफ की हम बात करेंगे, बाकी हमसे इसमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये हमने y की वैल्यू माइनस वन और वन रख करके देखा, तो यहाँ थ्री आ रहा है और यहाँ y क्या रहा है, वन आ रहा है ना, तो ये यहाँ से वन, ठीक, ये वन पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें इससे इतने से मतलब है, तो इसकी रेंज जो आएगी, तो y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की मिनिमम वैल्यू 3/4 से लेकर के कहाँ तक है, 3/4 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक, ठीक, कहाँ तक है, 3 तक, ठीक है। तो ये इसकी जो है क्या आ गई, रेंज आ गई, ठीक। तो ये इसकी जो है रेंज हमें मिल गई, ठीक है। ठीक, तो आपको जो है रेंज मालूम चल गई, कैसे जो है रेंज निकालते, तो हमारी रेंज क्या बनी, हमारी रेंज जो बनी है 3/4 से 3 तक जो है बनी, ठीक। तो इस प्रकार की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन होती है, अगर वो क्वाड्रेटिक में बदल जाए, अगर क्वाड्रेटिक है तो हम जो है इस प्रकार से रेंज निकाल सकते हैं। ग्राफ नहीं प्लाट होगा, रेंज निकालने के तरीका है ये, ग्राफ इसका अलग ही बनेगा, ठीक है।
ये रेंज इस प्रकार से हम जो अगर हमें रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहे थे, इस प्रकार से हम जो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखेंगे इसके लिए क्वेश्चन, तो देखिए एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसकी रेंज अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी रेंज हम निकालेंगे, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते कॉस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस एक्स, है ना। अब ये हमारा टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन ये है। अब इसके हमें रेंज निकालना है, तो हम इसको कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, अभी उसी तरह सेम कॉस एक्स को हम अल्फा जो है लेकर के चलेंगे, तो y इज इक्वल टू ये हमारा टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वन बनेगा। ठीक, अब ये बताइए कॉस की, अभी हमने रेंज बताया कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वन से लेकर के कहाँ तक होती है, वन माइनस वन से वन तक, है ना ये रेंज। तो अल्फा की भी रेंज यही होगी, ठीक, अल्फा की भी रेंज यही होगी, क्योंकि वो कॉस की एक्स के टर्म में जो हमने उसको माना है, ठीक है, कॉस एक्स जो है उसको हमने अल्फा माना, तो उसकी रेंज भी यही होगी। अब यहाँ पर हमारा ए पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ हमारा अप डाउन तो बनेगा। ठीक, लेकिन हम पहले इसके वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टेक्स निकालने के लिए बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे वर्टेक्स, माइनस बी अपान ए माइनस वन अपान टू ए होता है, तो टू ए का मतलब टू टू जा फोर कामा, माइनस डी निकालेंगे, तो डी का मतलब बी बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर ए सी फोर टू जा एट, एट अपान वन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर इंटू टू, फोर टू जा एट, एट वन नाइन, एट वन नाइन, ठीक है, अपान में टू ए यानी टू टू जा फोर, ये आएगा नाइन बाई फोर, कितना आएगा नाइन बाई फोर। ठीक, तो हमारा डी आया नाइन बाई फोर, लेकिन फार्मूले माइनस होता है, माइनस डी अपान फोर है, तो ये माइनस नाइन बाई फोर आएगा। तो ये हमारा बन गया क्या, वर्टेक्स मिल गए। ठीक, अब वर्टेक्स हमारे जब मिल जाते हैं तो हम इनको जो है क्या करते हैं, यहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो ये वर्टेक्स हमारे कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में, है ना, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो सपोज दैट माइनस वन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर यहाँ जो है लाई करेंगे। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को काटते हुए जो है ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस को काटते हुए हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ये अब ये हमारे वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स क्या मिले हैं, माइनस वन बाई फोर और माइनस नाइन बाई फोर, मतलब ये हुआ कि जो इसकी यहाँ से ये डिस्टेंस है ना वाई की, ये वाई डिस्टेंस, ये माइनस नाइन बाई फोर है, ये वाई डिस्टेंस इतनी, ठीक, समझ में आया, और ये जो डिस्टेंस है यक्स की, ठीक, ये डिस्टेंस, तो ये हमारी माइनस वन बाई फोर है। ठीक है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, वो माइनस बता रहा हूँ कि वो है चीज़ होती है कि ये जो है ये बताता है कि इसके लेफ्ट साइड जो है ये स्थित होगा। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब हमें जब रेंज मालूम है तो हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, जब अल्फा हम माइनस वन ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस प्लस वन टू माइनस माइनस टू, तो यानी टू टू फोर आएगी, कितनी आएगी फोर, रखना यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये टू हो जाएगा, ये माइनस वन, ये माइनस वन, तो ये हमारे पास आएगी माइनस वन जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो, ये हमारी जीरो आएगी वाई की वैल्यू। यदि हम वन लेते हैं तो वन रखने पर ये कितना आएगा, टू प्लस वन, टू वन थ्री, थ्री में से वन गए टू, यानी वाई की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी टू, तो एक वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टू आ गई। ठीक, माइनस वन लेने पर यही आ रहा है, देख लेना, एक माइनस वन का स्क्वायर तो टू हो गया, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस वन, माइनस माइनस टू, टू से टू कैंसिल जीरो, ठीक है सही है। तो वाई की वैल्यू एक हमारी क्या आ गई,
टू आ गई, ठीक है, और एक वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। ठीक, यहां से अब यदि हम इसमें ये हमारा जो कट कर रहा है यहां पर वाई एक्सिस को, ये टू पर है, कट कर रहा है ना, मतलब ये यहीं पर वाई एक्सिस को जो है, जैसे हम एक्स को जीरो कर दें, एक्स को क्या कर दें, या अल्फा को जीरो कर दें, तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये माइनस वन और जीरो होगा, है ना। हमने क्या बताया कि अगर अल्फा यहाँ, क्योंकि एक्स के टर्म में अल्फा है, तो अल्फा के एक्स को जीरो करें, ठीक है, तो वाई की वैल्यू वो वैल्यू है मिला करती जहाँ पर ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ माइनस वन पॉइंट पर ये जो है वाई एक्सिस को काट रहा है, और अगर वाई को जीरो करते हैं, वाई को अगर हम जीरो करते तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, टू वन या टू, टू में से वन गए वन, यानी कि इसके फैक्टर टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन, तो यहाँ से टू अल्फा कॉमन हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन हो गया अल्फा प्लस वन, तो एक यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी अल्फा की माइनस वन, और एक अल्फा की वैल्यू मिलेगी वन अपान टू, क्या मिलेगी, वन अपान टू। सो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ कहीं वन अपान टू यहाँ पर होगा, ठीक, और जो अल्फा की एक वैल्यू आई हमारे पास वन, क्या आई है, वन, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस वन, तो मान लो ये हमारा पॉइंट माइनस वन है, ये क्या है, ये नहीं, इसको निगेटिव लेंगे ना, ये माइनस वन, तो ये पॉइंट हमारा माइनस वन और जीरो है, और एक आई है वन बाई टू, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये वन बाई टू और जीरो है, आया समझ में, ये वन बाई टू और जीरो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y किसमें मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, माइनस नाइन बाई फोर है ना, माइनस नाइन बाई फोर, और इसके बाद y की वैल्यू एक जीरो आई एक टू आई है ना, तो मतलब ये हमारा टू जो है कहीं यहाँ होगा, यहाँ पर टू जीरो है ना, कहीं यहाँ पर जो है ये होगा टू जीरो, और क्या, ये वन बाई टू है तो यहाँ कहीं होगा टू जीरो, ठीक, समझे। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा, जो रेंज बनेगी, अब हम ऊपर मतलब नहीं है, अब हमारा, हमें ग्राफ से जो है सिर्फ इतने से मतलब है, कितने से, इतने से, ठीक है, क्योंकि ये हमने y की वैल्यू यहाँ क्या निकाला है, रेंज के द्वारा टू, ठीक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस नाइन बाई फोर है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टू है, क्या है, टू, ठीक। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, टू तक ही ले रहे हैं, ठीक। तो ये इसकी जो इस प्रकार से क्या आ गई, रेंज आ गई, ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको क्वाड्रेटिक बस में इक्वेशन चेंज हो जाए तो उसकी रेंज बड़े आसानी से आ जाती है, इस प्रकार से रेंज निकालते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमारे सामने ये क्वेश्चन है, अब इसकी हमें रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज, तो इसको भी क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू टू के पावर x प्लस, ओ सॉरी,
अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन लिख सकते हैं। देखिए कैसे, फोर के पावर एक्स है, इसको हम टू के पावर एक्स लिख सकते हैं, है ना। ठीक, अब ये टू के पावर एक्स है तो पावर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स यहाँ आ गया और टू इधर चला गया। ठीक है, ठीक, तो ये हमने इसको क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। ठीक है, टू के पावर एक्स को हमने क्या कर लिया, अल्फा लेट कर लिया। तो ये देखो अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा हो गया, क्योंकि टू के पावर एक्स ही तो अल्फा प्लस वन हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक बना लिया। अब इसके बाद हम इसको जो है रेंज निकालेंगे, तो यदि हम अल्फा जीरो ले लेते हैं, अल्फा क्या ले लेते हैं जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन। ठीक, और अगर हम इसके वर्टेक्स निकालें, वर्टेक्स, तो इसके वर्टेक्स क्या आएंगे, वर्टेक्स हमारे पास एक माइनस बी अपान है, तो माइनस वन अपान ए का मतलब यहाँ टू ए, और कॉमा माइनस डी अपान है, तो डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी माइनस का है ना, तो माइनस फोर में वन जाएंगे तो माइनस का थ्री अपान फोर, यानी प्लस का आ जाएगा थ्री अपान फोर, कितना आ जाएगा थ्री अपान फोर। तो हमारी रेंज जो आ गई माइनस वन बाई टू से थ्री बाई फोर, इसकी रेंज आ गई। ठीक, तो हमने रेंज जो है इसकी निकाल लिया। ठीक, अब रेंज हमारे पास आ गया और ए हमारा यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसे होगा, अप डाउन होगा, और ये जो लाई कर रहा है कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर। ठीक, ये ऐसे जो है लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे। ठीक, तो जब y बराबर a के पावर x हो, तो ध्यान रखना ऐसे जो है इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ध्यान रखना कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक, ये यहाँ से जो है बनेगा, मतलब जब हमने x की वैल्यू जीरो लिया तब y क्या निकल करके आया, वन, तो ये पॉइंट हमारा जीरो और वन हो गया। ये अल्फा जो शो कर रहा है वो x को है, x एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, एक तरह से x है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, यहाँ x भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, जीरो से वन है, जीरो से वन। ठीक, इस पॉइंट का नाम है, अब देखिए इसकी जो रेंज आएगी, तो और ये पॉइंट आप समझ गए हैं। ठीक, ये हमारा थ्री बाई फोर है और ये हमारी क्या डिस्टेंस, माइनस वन बाई टू, ये माइनस जो है डिस्टेंस, ये मतलब ये शो कर रहा है कि इधर जो है ग्राफ ये प्लाट होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको जो है हमने जब अल्फा जीरो लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, जीरो से वन। अब हमको इसको इसकी जो रेंज है निकालना, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए इस वाई की यहाँ, अब इससे मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है ना। तो वाई की मिनिमम वैल्यू लेते थे, तो वाई की इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, समझ में आया। तो हमें यहाँ y की अल्फा की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट लेना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो हमारा ये वन पॉइंट है यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब हम जो वैल्यू इसमें लेंगे, ठीक, जो हमारी रेंज इसमें आएगी, तो ये तो y इधर तो ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो एक तो मिल गया कि इनफाइनाइट तक होगी, कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ इस ग्राफ में इससे मतलब रहेगा, ऐसे ग्राफ हम ध्यान रखना इधर,
तो ये y की वैल्यू 1 है और ये बढ़ती हुई चली जा रही, तो रेंज जो है इसकी क्या आएगी, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे जो है ग्राफ ऐसे प्लाट होते हैं और इसमें इतने से जो है मतलब रहेगा, ठीक है, समझ में आया, जब ऐसी क्वेश्चंस आ जाती हैं या इस टाइप्स की हो तो इस प्रकार जो है ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ जो पॉइंट मिल जाए वाई का वो वाला पॉइंट, और ये कहाँ तक बढ़ रही है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रही, तो मतलब इसकी रेंज जो होगी इस इक्वेशन की वो क्या होगी, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। सो जय हिंद। देखिए हमने इसमें आप लोगों को बढ़िया समझा दिया रेंज कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब रेंज निकालने में कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। अब नेक्स्ट जो है क्लास के बारे में नेक्स्ट डेट जो है डिस्कस करेंगे, और जो है कुछ नया जो है टॉपिक लाएंगे, ठीक। आपने रेंज निकालना सीख लिया और बेसिक जो है हमने जो है अपलोड कर दिए हैं, तो पीछे जो पहले वीडियो ने सब देखते जाना अच्छे से, तब PGT का मतलब समझ पाएंगे कि आखिरकार ये होता क्या है, ये नई नई चीज़ें हमें कहाँ से मिलने लगी इसमें, ठीक, समझ रहे हो। आपने पढ़ा ना होगा इसमें वो चीज़ें हैं, ठीक। सो जय हिंद, थैंक यू।